हाँ तो यार, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेजिटा के बारे में। आज इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों वेजिटा सुपर सीएन 3 नहीं जा सकता। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मेरे पास चैप्टर नंबर 80 से रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं था, तो मैंने सोचा एक पुराने टॉपिक पे वीडियो बना ली जाए। जो ओल्ड ड्रैगन बॉल फैंस है, जिन्होंने ड्रैगन बॉल जी देखा है, उनको तो इस टॉपिक के बारे में पता है कि वेजिटा क्यों नहीं जा सकता सुपर सीएन 3। बट जो न्यू ड्रैगन बॉल फैंस है, जिन्होंने ड्रैगन बॉल सुपर ही देखा है और ड्रैगन बॉल सुपर की ये मांगा देख रहे हैं, उनको नहीं पता इस बारे में कि वेजिटा क्यों सुपर सीएन 3 नहीं जा सकता, बिकॉज जो इसका राज है वो ड्रैगन बॉल जी में छुपा है। तो गाइस, बात कर लेते हैं कि वेजिटा क्यों नहीं जा सकता सुपर सीएन 3 एंड क्या इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुपर सीएन 3 अभी के टाइम पर। बिकॉज अभी तो सुपर सीएन का यूज बहुत ही कम करते हैं गोकू और वेजिटा, तो क्या इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं क्यों नहीं जा सकता वेजिटा सुपर सीएन 3 में। तो गाइस, ड्रैगन बॉल जी के टाइम पे जब सेल सागा होती थी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब गोकू मर गया था, तब वेजिटा ने एक स्टेटमेंट दिया था। वेजिटा ने बोला था कि सबसे पहले कैकरोट तूने मेरे को हराया, फिर तूने अपने बेटे के द्वारा मेरे को हराया, अब मैं जो है कभी भी ट्रेनिंग नहीं करूंगा। उस पॉइंट ऑफ टाइम से वेजिटा ने ट्रेनिंग करना जो है बंद कर दिया था, और वहां पर जो है सुपर सीएन 2 भी अनलॉक नहीं हुआ था। वेजिटा के पास बस सुपर सीएन 1 था और एस कैंडिडेट सुपर सीएन 1 की फॉर्म थी, और सुपर सीएन 2 भी नहीं था, तो 3 तो दूर की बात है। बट गोकू एक अच्छा इंसान था, तो उसको हेवन में जाने का मौका मिला और गोकू ने अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू की। वहां पर जितने भी हेवन में पावरफुल वॉरियर्स थे, गोकू ने उन सबसे फाइट किया और अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी, और हेवन के अंदर ही गोकू ने जो है सुपर सीएन 2 और सुपर सीएन 3 को अचीव किया, जो कि उसने काफी ज्यादा मुश्किल से अचीव किया था, बिकॉज ये जो फॉर्म है ये काफी ज्यादा पावरफुल होती है और ये काफी ज्यादा यूनिक है। देन जब गोकू वापस आया बू सागा के टाइम पर अर्थ पर, तब गोकू के पास थे सुपर सीएन 1, सुपर सीएन 2 और सुपर सीएन 3, लेकिन वेजिटा ने कभी ट्रेनिंग किया ही नहीं था, तो उसके पास सुपर सीएन 1 ही थी। लेकिन बू सागा के टाइम पर वेजिटा ने अनलॉक की थी सुपर सीएन 2, एंड बू सागा ड्रैगन बॉल जी की लास्ट सागा थी, तो गोकू और वेजिटा की जो पावर थी वो इतनी ही रही। गोकू को मिली सुपर सीएन 3 और वेजिटा को मिली सुपर सीएन 2। तो गाइस, यही रीजन है कि वेजिटा नहीं जा सकता सुपर सीएन 3 में, बिकॉज उसने ट्रेनिंग करना छोड़ दिया था, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। गोकू ने कभी ट्रेनिंग करना नहीं छोड़ा था, इसलिए वो सुपर सीएन 3 की पोजीशन पे पहुंच पाया, लेकिन वेजिटा नहीं पहुंच पाया। देन गाइस, जब ड्रैगन बॉल सुपर आया, तो यहां पर तो गॉड्स की ही फॉर्म आ गई, सुपर सीएन 3 की बात भी कौन करता जब गॉड्स की फॉर्म यहाँ पर आ चुकी थी। तो वेजिटा ने कभी सोचा ही नहीं कि चल ठीक है, अभी मैं सुपर सीएन 3 जाता हूँ, बिकॉज उसने सुपर सीएन ब्लू अचीव कर ली थी, जो कि एक गॉडली फॉर्म थी, तो उसने कभी सुपर सीएन 3 को अचीव करने के बारे में सोचा ही नहीं। तो गाइस, ये तो बात होगी कि वेजिटा क्यों नहीं जा सकता सुपर सीएन 3 स्टेज में। लेकिन गाइस, इस बारे में बात करते हैं कि क्या सुपर सीएन 3 स्टेज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेजिटा को जाना चाहिए था उसके अंदर। तो गाइस, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, तो मुझे ऐसा लगता है सुपर सीएन 3 जो स्टेज है वो काफी ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा हटके है, इसलिए वो गोकू को दी गई और उसका जो है नीड बहुत है फ्यूचर में। एक बात बताता हूँ आपको, टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम पे क्या हुआ था। गोकू ने कहा था कालीफुला और केल से फाइट करते टाइम कि मेरे पास स्टेमिना नहीं है, मैं सुपर सीएन 3 में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, मैं बस जो है तुमको एक झलक दिखा सकता हूं उसकी। देन गाइस, टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम पर गोकू ट्रांसफॉर्म हो गया था सुपर सीएन 3 में, लेकिन वो जो है कुछ सेकंड्स के लिए ही ट्रांसफॉर्म हो पाया था, बिकॉज उसके पास स्टेमिना नहीं था, तो इसलिए वो जो है बेस फॉर्म में वापस आ गया था। बट बेस फॉर्म में आते ही वो सुपर सीएन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो गया। मतलब गाइस, सोच के देखिए, सुपर सीएन 3 के लिए उस बंदे के पास स्टेमिना नहीं है, लेकिन सुपर सीएन गॉड में ट्रांसफॉर्म होने के लिए उस बंदे के पास स्टेमिना है। एंड गाइस, सुपर सीएन 3 बहुत ही ज्यादा यूनिक है, बिकॉज उसको बहुत ही ज्यादा कम दिखाया गया है हम लोग को ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर, ड्रैगन बॉल जी के अंदर, मतलब कहीं भी बात कर लो उसको काफी ज्यादा कम दिखाया गया है। सुपर सीएन 3 अचीव करना इसलिए ज्यादा फायदेमंद था गोकू के लिए, बिकॉज मान लीजिए फ्यूचर में, अभी तो नहीं लेकिन फ्यूचर में कभी ऐसा हो जाता है कि सुपर सीएन 3 ब्लू आ जाता है, तो उसकी पावर कहां होगी। मतलब अभी गोकू वेजिटा सीधा सुपर सीएन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होते हैं, लेकिन अगर इन फ्यूचर सुपर सीएन 3 ब्लू बन गया गोकू, तो उसकी पावर कहां होगी हम लोग सोच भी नहीं सकते। एंड गाइस, अगर गोकू ऐसे ही अपनी न्यू फॉर्म्स के साथ सुपर सीएन 3 का यूज करता गया, तो उसकी जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा ऊपर होगी। गाइस, अभी वो इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज वो इस चीज के केपेबल नहीं है। तो गाइस, आप भी सोच के देख सकते हो, गोकू अभी तक केपेबल नहीं है कि वो सुपर सीएन 3 अपनी कोई भी गॉड फॉर्म के साथ यूज कर सके, जबकि वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आराम से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो गाइस, बस अंदाजा लगा के देख लीजिए कि इसमें कितना ज्यादा स्टेमिना की नीड पड़ती होगी। सुपर सीएन 3 में काफी ज्यादा स्टेमिना की नीड पड़ती है, और अगर उसको किसी फॉर्म के साथ यूज किया जाए, तो उसकी पावर एकदम इमेंस लेवल पर होगी। तो गाइस, ये तो बस मेरा ओपिनियन था कि मुझे क्या लगता है, और इसलिए मैं बोल रहा था कि वेजिटा को सुपर सीएन 3 में जाने की जरूरत है, बिकॉज अगर आगे गोकू सुपर सीएन 3 के साथ जो है अपनी न्यू फॉर्म्स को यूज करता गया, तो वो जो है वेजिटा से बहुत आगे निकल जाएगा, एंड देन वेजिटा उसको कभी कैचअप नहीं कर पाएगा, बिकॉज गोकू हमेशा उससे एक स्टेप आगे रहेगा, जो हमेशा रहता भी है। तो गाइस, होपफुली मैंने आप सब लोग के डाउट क्लियर कर दिए होंगे कि वेजिटा क्यों नहीं जा सकता सुपर सीएन 3 में, और वेजिटा को क्यों जाने की जरूरत है सुपर सीएन 3 के अंदर। हालांकि गाइस, मुझे ऐसा नहीं लगता कि क्रिएटर्स वेजिटा को सुपर सीएन 3 देंगे, बिकॉज अगर उनको देना होता तो वो पहले ही दे देते। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बी गुड गाइस।